राजस्थान में सियासत आंदोलन की राह पर है। प्रदेश के दोनों बड़े दल एक दूसरे पर हल्ला बोल रहे हैं। भाजपा प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी को कोस रही है, तो उधर कांग्रेस केंद्र पर जमकर हमला कर रही है। भाजपा ने राज्य सरकार पर जनहित के मुद्दों की उपेक्षा का आरोप लगाया है, साथ ही कहा कि जो वादे घोषणा पत्र में किए गए थे, सरकार उनको भी पूरा नहीं कर रही है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा, प्रदेश की जनता को राहत देने के बजाय सरकार बिजली के बिल का करंट लगा रही है। 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं पर कोरोना काल के बीच भार डाला जा रहा है, जिससे जनता की कमर टूट गई है। साथ ही भाजपा किसान कर्ज माफी, बेरोजगार भत्ता, टिड्डी मार रोजगार को भी मुद्दा बना रही है। भाजपा ने सोशल मीडिया से सरकार पर हल्ला बोला, तो वहीं अब सड़क पर भी भाजपा अपनी आवाज बुलंद करेगी। इस कोरोना के कालखंड में सबसे ज्यादा मार किसी को पड़ी है? राजस्थान के 1.40 करोड़ के लगभग उन उपभोक्ताओं पर पड़ी है, जिसमें किसान भी शामिल है, जिसमें व्यापारी भी शामिल है, जिसमें दुकानदार भी शामिल है, घरेलू उपभोक्ता भी शामिल है। एक ऐसी मार जिससे उबर नहीं पा रहे, लेकिन सरकार अभी भी या तो आंकड़ों का खेल खेल रही है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि बिजली की दरें घटाना हमारे बस में नहीं। ताज्जुब होता है इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बयानों से। प्रदेश में भाजपा ने कांग्रेस को घेरा, तो उधर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सीधा केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और यहां तक कह दिया कि केंद्र की मोदी सरकार जिद पर अड़ी हुई है, ये जिद बुरी है। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार को युवाओं की आवाज के आगे झुकना होगा। सड़क पर आंदोलन करते हुए कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन करके केंद्र को घेरने का काम किया और युवाओं की आवाज को बुलंद किया। उधर कांग्रेस सहित विपक्ष ने जेईई और नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दे दी है। महत्वपूर्ण जो परीक्षा देश में होने जा रही हैं, इसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि नौजवानों के बच्चे बच्चियों के जीवन का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। हिंदुस्तान में लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोविड-19 के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अभी हम पीक तक नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना मैं समझता हूं गलत है और केंद्र सरकार ने जो जिद पकड़ी है उस जिद को छोड़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। पार्टियां जनहितैषी का तमगा लेकर अपना विरोध भी दर्ज करा रही हैं, तो वहीं अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रही हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर सियासत का हल्ला बोल जनता को कितनी राहत दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जनटीमें, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, कोरोना के बीच भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वजह कई हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे नीट और जेईई एग्जाम को लेकर के छह राज्यों के सरकारों के मंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि कोरोना एग्जाम पोस्टपोन करवाया जाना चाहिए। एवरेज अगर एक बात करें तो 1400 से ज्यादा बच्चे एक सेंटर पे एग्जाम देंगे जेईई का, और नीट का भी इसी तरह से 415 स्टूडेंट्स एक सेंटर पे एग्जाम देंगे। तो ये खतरे की घंटी बताई जा रही है। तो केंद्र पर कांग्रेस सहित अन्य दल हमलावर हैं जो विपक्ष में गैर भाजपाई हैं या एनडीए में शामिल नहीं है। उधर कांग्रेस की सरकार अगर बात राजस्थान की करें तो भाजपा हमलावर है बिजली के बिल को लेकर के। दोनों ही तरफ, एक तरफ अभिभावकों की दुआई दी जा रही थी, दूसरी तरफ उपभोक्ताओं की। तो यही हमारा आज का मजमून जो आपने देखा, उसी को लेकर के चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ कांग्रेस से वरुण पुरोहित जी जुड़ गए हैं, भाजपा से आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, नीतू भट्ट जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं आशीष जी और वरुण जी दोनों आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, मैं एक बात जानना चाहता हूं आप दोनों से। बात अगर एग्जाम की करें तो वरुण जी, इसका विरोध सिर्फ इस वजह से कि केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है, और आशीष जी से मेरा सवाल होगा कि उस एग्जाम को इस वजह से नहीं टाला जा रहा है कि विपक्ष ने उठाया ये मुद्दा, क्योंकि एक आम चर्चा है ये। तो मैं वरुण जी पहले आपसे जानना चाहूंगा। जी योगेंद्र जी, ऐसा है, ये एक बहुत बड़े क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मसला है। 26 लाख छात्र प्लस उनके पेरेंट्स, तो 52 लाख, 60 लाख, 70 लाख पहुंच जाते हैं। माता पिता को जोड़ो, क्यों, कोई ना कोई पेरेंट तो जाएगा एग्जाम दिलाने। इसलिए सब कांग्रेस ने जो जजमेंट आया उसके बाद में अपना लोगों का रोष देखा, छात्रों का देखा, उसके बाद मीडिया ने सबसे पहले देखा है, उसके बाद कांग्रेस ने छात्रों के साथ एनएसयूआर यूथ कांग्रेस, जो हमारी छात्रों और युवाओं की विंग है, उसने आंदोलन शुरू किया। अब भाई हम कोई राजनीतिकरण नहीं करें, अगर छात्रों की कोई मांग है तो उसके लिए हमको बोलना तो आवश्यक है। ये क्या है कि कांग्रेस बोले तो राजनीति, बीजेपी बोले तो राष्ट्रवाद, ये जो एक अजीब सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं देश के अंदर, ये बहुत गलत है। आपको पता है आधे इलाकों में बाढ़ आई हुई है, आप 2 महीने बाद परीक्षा करा लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हमारे स्कूल कॉलेज में भी ऐसी होता था, आप नवंबर में परीक्षा करा लीजिए, लोगों बच्चों को भी पता लग जाएगा भाई 2 महीने बाद परीक्षा है, हमको इस चीज की तैयारी करनी है। राज्य सरकारों को भी टाइम मिल जाएगा, आप रेलवे आप चला नहीं रहे हो, संसाधन आप कैसे जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बच्चे हो आप बता नहीं रहे हो। ऑलरेडी आप लोगों की रिपोर्ट आ चुकी, 1/3 बच्चे जो है गरीब बच्चे जिनके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वो पढ़ाई से महरूम हो चुके हैं। अब इतनी बड़ी महामारी में आप सुनिए, मुख्यमंत्री अभी आपने कहा तमिलनाडु तो इनके साथ है पार्टी, ऑलरेडी एग्जाम डिले हो चुके हैं, तो तैयारी पहले से ही की जा सकती थी। नहीं नहीं, बच्चों का आप अचानक से 8 दिन 10 दिन में इतने बड़े एग्जाम के लिए कह रहे हो, तो ये तो गलत है साहब, बच्चों के साथ अन्याय। आप 1-1.5 महीने खिसका दो, बाढ़ वाड़ भी सेटल हो जाएगी, मौसम ठीक हो जाएगा, बच्चों को मना थोड़ी कर रहे हैं एग्जाम लेने को, तो हम भी कह रहे हैं एग्जाम लेना चाहिए, लेकिन जहां बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वो बच्चे रह जाएंगे, महरूम हो जाएंगे उन कंपटीशन से। अब आप क्या करोगे, बिहार में कितने बच्चे पढ़ पढ़ के आते हैं सारे, और आप एक बात में बताओ, तमिलनाडु की सरकार जो इनका पार्ट है उसने कहा है कि स्किप करना चाहिए एग्जाम को, खाली कांग्रेस ही नहीं कह रही है। अब प्रधानमंत्री जी को इसमें सदाशयता दिखानी चाहिए थी, इतने मुख्यमंत्री कह रहे हैं, तो आप दिन भर आप मन की बात करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों से बात करते हो, इसमें भी कर लेते कि भाई क्या सुझाव है, सब मिल बैठ के इसका निकाल लेते, पर वो निकालना ही नहीं चाहते, तो हठधर्मिता तो बीजेपी के लिए। कांग्रेस आपके पास, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, में आशीष जी के पास जाना चाह रहा हूं, चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाह रहा हूं। जैसे मैंने वरुण जी से पूछा कि केंद्र का डिसीजन इस वजह से कांग्रेस विरोध कर रही है, तो ये सवाल मेरा आपसे भी है कि अपोजिशन के लोग विरोध कर रहे हैं इसी वजह से इसे नहीं टाला जा रहा। नहीं, इसमें ये मुद्दा नहीं है कि अपोजिशन विरोध कर रहा है इसलिए नहीं टाला जा रहा है। देखिए, जहां तक अभी पुरोहित जी ने बताया कि 7 दिन का टाइम दिया है, तो ये 1.5 महीना हो चुका है इन डेट्स को अनाउंस हुए कि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी और जेई की परीक्षा 1 से लेकर के 6 सितंबर के बीच होगी। जहां तक ये बात कर रहे हैं 25 लाख लोग, और तो 25 लाख ये दोनों एग्जाम को मिला के बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग एग्जाम हैं, और जेई का जो एग्जाम है वो 1 से लेकर के 6 तक होगा जिसमें 2 पारियां होगी, तो टोटल 12 शिफ्ट में ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास अभिभावक गए, और जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं कि एग्जाम होना चाहिए, आप उन अभिभावकों से तो बात कीजिए, उन बच्चों से तो बात कीजिए जो 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं कि हम इस एग्जाम को देंगे,
वो बेचारे बच्चे मार्च में प्रिपेयर्ड थे, मार्च में चूंकि कोरोना का क्या स्तर होगा इस पता नहीं था, तो संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, सारी चीजें बंद थी। आज सारी चीजें बंद नहीं है, धीरे धीरे करके सारी चीजें खुल रही है। अभी देखिए 7 तारीख से मंदिर भी खुल जाएंगे, एक न्यू नॉर्मल के साथ चीजें खुल रही है। अब ये देखिए यहाँ पे राजस्थान में BSTC करवा रहे हैं, राजस्थान में 10th की सप्लीमेंट्री करा रहे हैं, राजस्थान में 12th के एग्जाम करवा रहे हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम, 10th और 12th का ओपन बोर्ड एग्जाम करवा रहे हैं। तो इनका ये दोहरा चरित्र है ना, हर जगह पे आ रहा है। यहाँ पर हम विरोध करेंगे जेई नीट का, यहाँ पर हम BSTC के एग्जाम करवाएंगे, एज ए शिक्षा मंत्री हम एग्जाम कराएंगे, एज ए प्रदेश अध्यक्ष हम नीट और जेई का विरोध करेंगे। तो एक ही आदमी दो चीजों को कर रहा है, शिक्षा मंत्री के नाते तो वो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है यहाँ पे, और बकायदा गवर्नमेंट ने कहा है कि इस तरह की अफवाह नहीं फैलाई जाए कि हम एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं, नहीं तो FIR दर्ज कराएंगे। तो एज ए शिक्षा मंत्री तो उनका स्टेटमेंट ये है, एज ए प्रदेश अध्यक्ष हम MNIT का घेराव करेंगे, केंद्र के संस्थानों का घेराव करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे। और ये दोहरा चरित्र इनका सब जगह चल रहा है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखती है कि साहब बिजली के बिल माफ कीजिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज लार्ज इंडस्ट्रीज के जो फिक्स चार्जेस है उनको वेव ऑफ कीजिए कोरोना के कारण। तो क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री से उनके क्या संवादहीनता है? पुरोहित जी इतना बताए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से क्या उनकी संवादहीनता है? सचिन पायलट जी किधर है? आशीष जी, अगर दोनों ही तरफ है, BJP में यही हालत है, हरियाणा और मध्य प्रदेश में बिजली के बिल का झटका दिया जाता है, राजस्थान में आप लोग डिमांड कर रहे हैं, तो ये सारी पार्टियां एक आज या टाइम तो बन गया। योगेंद्र जी ये राजस्थान की बात कर रहे हैं, वो पैन इंडिया प्रॉब्लम है, पूरे इंडिया में हाईएस्ट है। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए आप, पूरा उन्होंने दिया है कि राजस्थान किस रेट से आप चार्ज कर रहे हैं, बाकी स्टेट में किस रेट से चार्ज कर रहे हैं। उन्होंने यूट्यूब चैनल चलाया सत्यमेव जयते, लाखों लोग बच्चे जुड़ गए उसमें। आप कांग्रेस की क्यों बात कर रहे हो? पैन इंडिया प्रॉब्लम है, बिजली की बात मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास वरुण जी, वापस आ रहा हूँ नीतू जी के पास जाना चाहूंगा। नीतू जी, आम पेरेंट्स क्या देखते हैं इस एग्जाम को लेकर, क्या उनकी सोच क्या है कि एग्जाम होना चाहिए, या फिर उनको किसी तरह का कोई डर है, या फिर कोई सुधार होके इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए, क्या सोचते हैं वो? पहले तो आप सभी को नमस्कार योगेंद्र जी, और एज ए टीचर और एज ए अभिभावक मैं दोनों तरीके से ये आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ कि जो एग्जाम्स हैं ये आज से नहीं होने का प्लान था। एग्जाम्स तो होने ही थे, मार्च में होने थे, और बच्चे ऑलरेडी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि एग्जाम्स मार्च में होने थे। जब कोविड सिचुएशन अराइज हुई तो इतना था कि थोड़े से आगे पोस्टपोन हो जाएंगे, बट मेंटली जितने भी बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस तरीके से बोलते हैं कि हमें एग्जाम्स नहीं देने हैं बिकॉज कोरोना काल है, इसमें हमारा हेल्थ रिस्क है, हमारी लाइफ रिस्क है। बट मेरा एज ए पेरेंट मानना है कि एग्जाम्स होने चाहिए, क्योंकि करियर की बात है, बच्चों का जो इसमें करियर है वो पूरा लगा हुआ है, और इनफ टाइम मिल चुका है बच्चों को। आई थिंक दे शुड गो अहेड एंड एग्जाम्स कंडक्ट करा देने चाहिए। और सेफ्टी मेजर्स की जो बात है, एज ए पेरेंट मैं सोचती हूँ ठीक है, सेफ्टी मेजर्स लेते हुए एग्जाम्स होने चाहिए, जिससे कि जो बाकी चीजें अगर मूव ऑन हो रही है, स्कूल ऑनलाइन चल रहे हैं, एग्जाम ऑनलाइन अगर कंडक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ हमारे पास काफी ज्यादा होती है। टोटल 25 लाख के करीब हमारे पास बच्चे होते हैं, और हमारे पास JEE में 14 लाख के आसपास बच्चे हम लोग लेते हैं, और NEET में 6 लाख के आसपास बच्चे बैठते हैं। तो अगर ये ऑनलाइन पॉसिबल हो सके, क्योंकि सब जगह नेट नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन एज ए पेरेंट मैं मानती हूँ कि हम लोग बच्चों को प्रिपेयर रखे हुए थे कि एग्जाम्स होने चाहिए। तो मैं ये चाहूंगी कि एग्जाम्स हों और सेफ्टी मेजर्स के साथ हो। जी आशीष जी, वापस आपके पास में आना चाहूंगा मैं। यहाँ दो बातें निकल करके आती हैं, एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है, लोगों की कन्विंस की प्रॉब्लम है कि जहां फ्लड है वहां पे कन्विंस की दिक्कत आएगी, या फिर रूरल से जो लोग एग्जाम देने के लिए आते हैं उनके सामने ये परेशानी आ सकती है। एग्जाम का विरोध कोई नहीं कर रहा है, कुछ अभिभावकों का ये कहना है कि सब ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के सरकार या तो कुछ व्यवस्था करे, हर व्यक्ति पर्सनल गाड़ी लेके नहीं जा सकता। मैं आशीष जी आपके पास आऊंगा, आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं आ रहा हूं आशीष जी आपके पास आऊंगा, मैं मिथिलेश जमनी जी जुड़ गए हमारे साथ एक बार। मिथिलेश जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। ये पूरा जो है हम देखेंगे, BJP और कांग्रेस दोनों ही राजस्थान में आंदोलन की राह पे हैं, एक केंद्र को कोस रही है तो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन बात अगर JEE और नीट के एग्जाम की करें, आम पेरेंट्स से बात होती होगी आपकी भी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
क्या उनका मानना है कि एग्जाम टाले जाने चाहिए, एग्जाम होने चाहिए, या फिर कुछ सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ पहले से बताया जाना चाहिए कि हाँ इस तरह से एग्जाम करवाए जा सकते हैं? कुछ आ रही है बात सामने कि चाहते क्या है पेरेंट्स? एक्चुअली योगेंद्र जी, जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है, एक साल का जिन्होंने कोर्स किया है, ट्वेल्थ के बाद में जो वेट कर रहे हैं एग्जाम का, उनके सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि एग्जाम टाइम पे हो, इसमें कोई राजनीति नहीं हो। ये वाकई एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो राजस्थान सरकार कांग्रेस की है वो 9 लाख बच्चों का एग्जाम लेने वाली है, ओपन बोर्ड में, प्री डीएलडी, प्री पीटीईटी, उन सब में एग्जाम करा रही है, और नीट और जेई जो इस देश का टैलेंट है उसको आप दबाना चाह रहे हैं। 100 से ज्यादा देश के जो नामी शिक्षाविद है उन्होंने लेटर लिखा है कि एग्जाम होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया है कि यूजीसी की डिग्री तभी मान्य होगी जब फाइनल ईयर में एग्जाम होंगे। जब फाइनल ईयर में एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, तब कोविड के नाम पर नीट और जेई के एग्जाम नहीं कराना कौन सा न्याय है? दूसरा इंपॉर्टेंट इश्यू यह है कि अगर आप आईआईटीएम तैयार नहीं करेंगे, डॉक्टर तैयार नहीं करेंगे, तो इस देश का डेवलपमेंट रुक जाएगा। जो आप 21वीं सदी में ले जाने का सपना देख रहे हैं, जो इस देश के युवाओं को नई दिशा देने की सोच रहे हैं, वो सपना चूर हो जाएगा। राजनीति अपनी जगह करिए ना आप राजनीति। इन छोटे मोटे मासूम बच्चों को आप टारगेट बना के अचानक राजनीति करने की क्या जग गई? मेरे तो समझ से बाहर है कि आज इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके पहले अभी कॉमेंट हुआ है, जो जितने भी साउथ जो बेंगलोर की इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका एग्जाम हुआ है, KIT का एग्जाम हुआ है, VIT का एग्जाम हुआ है। तो जब इतने सारे एग्जाम हो चुके हैं तो ये एग्जाम होने में क्या दिक्कत है? 8-9 लाख बच्चे पूरे देश में बैठ रहे हैं, या तो स्टेट में 8 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम वाले। प्री डीएलडी जो SPC का टेस्ट है, 2 साल का कोर्स, उसमें 5 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, वो बिल्कुल गांव के हैं। जो नीट और जेई की तैयारी कर रहा है, जो नीट की तैयारी कर रहा है, उसका पेरेंट्स मेंटली डेवलप है, वो जानता है कोविड में कैसे सुरक्षा करनी है। लेकिन जो एक गांव का आदमी जो प्री SPC टेस्ट देगा, प्री DLDD का टेस्ट देगा, वो गांव का आदमी है, वो कोरोना के मामले में इतना अवेयर नहीं है। तो नीट और जेई वो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो खुद भी जानते हैं कोरोना से कैसे बचना है। लेकिन जो आर्ट्स के बच्चे हैं, कला संकाय के बच्चे हैं, वाणिज्य संकाय के बच्चे हैं, वो एग्जाम देने आएंगे। अब आप साइंस वाले बच्चों पर केवल इसलिए राजनीति कर रहे हैं कि हमें जनता की सिंपैथी चाहिए? एक भावात्मक मुद्दा बनाया जा सकता है राजनीति के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों राजनीतिक दलों को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देनी चाहिए। क्योंकि UGC हो चाहे दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूट हो, बिना फाइनल ईयर एग्जाम की डिग्री के अगर वो जाता है तो डिग्री का पूरी दुनिया में वैलिडिटी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, तो सेम पोजिशन यही है। तो आप क्या चाहते हैं? बेवजह क्यों इमोशनल कर रहे हो? जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको इमोशनल कर रहे हो, आपके बच्चे के कोरोना हो जाएगा? अरे वो तो साइंस बैकग्राउंड से है, वो गांव का बच्चा, वो गांव की बच्ची जो SPC का टेस्ट देने आई, वो कोरोना की फुल फॉर्म नहीं जानता, उसके लिए तो आप कोई सिक्योरिटी नहीं कर रहे। जो नीट की तैयारी कर रहा है उसका पेरेंट्स अवेयर है, फिर आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? तो एक राजनीति छोड़ के दोनों दलों को इस पर गंभीर मंथन करना चाहिए कि बच्चों का करियर क्या होगा। एक साल पीछे अगर एक IIT नहीं रहेगा, एक डॉक्टर नहीं रहेगा, डॉक्टरों की कमी से हम अभी जूझ रहे हैं। आप नीट नहीं कराना चाहते क्यों? वोटों के कारण। बच्चों का साल भी खराब नहीं होना चाहिए, और उनके सेफ्टी मेजर्स को लेकर के जैसे नीतू जी ने भी कहा, ध्यान इस पर फोकस करना चाहिए कि बच्चों को सुविधा कैसे मुहैया कराई जा सकती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूं तो अगर बात करें तो नीट और जेईई एग्जाम को लेकर के देश में दो भावनाएं और दो धारणाएं बनी हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एग्जाम होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं होना चाहिए। एग्जाम पोस्टपोन की बात है कि पोस्टपोन कराए जाने चाहिए, थोड़ा सा आगे खिसकाया जा सकता है, लेकिन कोरोना क्या पोजीशन होगी? हम ये मान के चल रहे थे कि मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ कि 2 महीने के बाद है, जब पीक पे गर्मी होगी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ।
बढ़ता जा रहा है। आगे कोई नहीं कह सकता कि अक्टूबर तक चलेगा, नवंबर तक चलेगा, सितंबर में ही द एंड होगा, ये भी कोई नहीं कह सकता। कोरोना का एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अभी इसमें दावा कोई भी नहीं कर सकता कि क्या पोजीशन रहेगी। तो ऐसे में जैसे मिथिलेश जी ने कहा कि जिन बच्चों ने ड्रॉप किया है एक साल और वह चाहते हैं कि मेरा साल खराब नहीं होना चाहिए, उन पे मेंटली प्रेशर है क्योंकि एक कैरियर का सवाल है, दूसरा पेरेंट्स के इमोशंस उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो एक तरफ राजनीतिक रंग है, दूसरा तरफ इमोशंस है। पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए वहां सेफ्टी मेजर्स भी होने चाहिए, सुरक्षित एग्जाम देने जाए और एग्जाम देके वापस भी आए। कुछ लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि उनके पास में संसाधनों का अभाव है, उनके पास में साधन नहीं, अगर कहीं किसी सेंटर पे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो वहां ठहरेंगे कहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होटल, धर्मशाला, इस तरह से अपनी जहां भी कोई व्यवस्था बैठती थी कोरोना से पहले की अगर बात करें, किसी भी वक्त को एग्जाम हुआ तो। यहां अभी थोड़ी सी स्थितियां बदली हुई हैं। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, अभी तक पोखरियाल साहब ने ये बात तो कही कि एग्जाम होंगे, बच्चों के और पेरेंट्स से बात हुई है, ज्यादातर लोग चाहते हैं, अच्छी बात है। कुछ लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर दी 17 अगस्त को, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक ये नहीं बता पा रही है कि सेंटर्स पे किस तरह की व्यवस्था होगी। कुछ पेरेंट्स ने जैसे कहा भी, संसाधनों की क्या स्थिति होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकता, जिन एरिया में फ्लड आया हुआ है वहां क्या स्थिति होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक इश्यू अभी ऐसा है कि जिसपे सरकार ने अभी कुछ खुल करके अपने पत्ते खोले नहीं है, एग्जाम सामने है। योगेंद्र जी आपकी बात सही है, और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जहां तक एजुकेशन मिनिस्टर की बात है, उन्होंने कल ही बताया है कि उन्होंने तीन चीजें इसमें की है। पहला तो जो जेई के सेंटर्स हैं उनके नंबर्स उन्होंने बढ़ाए हैं। दूसरा क्या था कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्च में कोई बच्चा था, कोटा में था, उसको एग्जाम देना था, लॉकडाउन लगा, वो अपने प्रदेश में चला गया, तो ऐसे जिन बच्चों ने अपने सेंटर्स की रिक्वेस्ट चेंज किए, सेंटर चेंज की, उनकी रिक्वेस्ट को एकोमोडेट करते हुए उनके सेंटर्स को चेंज किया गया है। रही बात फ्लड की, तो फ्लड देखिए कि अगर फ्लड किसी, सपोज एग्जाम हो रहा है 1 से लेकर के 6 के बीच में एग्जाम है और 13 तारीख को नीट का एग्जाम है, और सपोज पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे कहीं पे फ्लड आता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और वहां पे जिस तरह से होता है हर बार की साहब आप उसका एग्जाम दोबारा कराया जाएगा, लेकिन इस आधार पर कि वहां पे फ्लड आएगी 12 तारीख को 13 तारीख को आएगी या नहीं आएगी। और अभी आपने बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट बोला था कि जहां तक कोरोना की बात है कि क्या मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ही बता सकते हैं कि 2 महीने बाद कोरोना समाप्त हो जाएगा, जब इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है और बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। और देखिए समस्या केवल कांग्रेस के साथ ये है कि वो हमेशा देश में जो रॉन्ग साइड है उसको चूज करती है। अभी मेरे साथ यहाँ पे एक अभिभावक बैठे हुए हैं नीतू जी, अभी मेरे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जी बैठे हुए हैं, दोनों का मत ये है, बीजेपी का मत ये, हम तो राजस्थान में विरोध नहीं कर रहे हैं कि साहब BSTC आप क्यों करा रहे हैं कोरोना के कारण, हम तो विरोध कर ही नहीं रहे, हम तो बहुत कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। इनके साथ दिक्कत क्या है, ये हर जगह पे जो गलत लाइन होती है ना वो लेती है। मतलब अगर आपको किसी को सही लाइन पता करनी है तो सही लाइन पता करने का एक ही तरीका कि जो कांग्रेस लाइन ले रही है उसकी अपोजिट जो लाइन है दैट इज द राइट लाइन। इनके साथ इतनी समस्या हो गई है। और जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात है, एक मिनट, ट्रांसपोर्ट की बात है तो देखिए अब जहां तक होटल्स की बात है, होटल अभी देश में सब जगह पे खुल चुके हैं, होटलों पे कोई पाबंदी नहीं, होटल खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं रेस्ट्रिक्शन के साथ खुले हुए हैं। और रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो देखिए जिन्होंने सेंटर बने संपूर्ण देश में बने हैं सेंटर्स, राजस्थान में 5 सेंटर है, 6 सेंटर है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही है ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट किसका है? स्टेट का सब्जेक्ट है, कोई दूसरे प्रदेश से थोड़ी राजस्थान में आ रहा है। वरुण पुरोहित जी से जवाब दिलवाता हूँ आपको। वरुण जी, केंद्र सरकार अगर ये एग्जाम होता है तो साफ साफ अभी जैसे आशीष जी कह रहे हैं, हर कोई यही कहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट बच्चों के भविष्य में को देखते हुए कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करे कि उन बच्चों को एग्जाम दिला करके उनके घर तक छोड़े, ये स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी होगी जैसे अभी आशीष जी कह रहे हैं। तो अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फायदा नहीं मिल पाता है तो उसी को तैयारी है सरकारों की। योगेंद्र जी अभी आशीष जी कह रहे थे बार बार कांग्रेस को, कांग्रेस को कोस रहे थे कि राइट साइड नहीं जाती, राइट नहीं, यही बीजेपी जो करे वो राइट है, बाकी जो भी करे रोंग है। ये जो इल्यूजन हो गया ना इनको 300 सीट आने के बाद, कहीं नहीं जीत रहे राज्यों में, अब भी नहीं जीतेंगे। अब बात आ गई इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवे क्यों नहीं चला रहे भाई स्पेशल गाड़ियां, आप राज्यों के ऊपर ढोल दिया, राज्यों को क्रिटिसाइज करना चाहते हो, जीएसटी का पैसा दे नहीं रहे, राज्य लाएंगे कहां से संसाधन, आपको जीएसटी का पैसा नहीं दे रहे हो, जीएसटी दोगे कहां से, जीएसटी कलेक्शन ही नहीं है, क्यों आपने रोड इकोनॉमी खराब कर दी, देश की बर्बाद कर दी।
बिल्कुल बर्बाद कर दिया आपने। इकोनॉमी को तो आप करना ही नहीं चाहते बूस्टअप, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड फाइनेंस मिनिस्टर का ये होना चाहिए क्या आंसर पब्लिक के सामने? और रही बात जनता की, तो जनता सब देख रही है, कांग्रेस को मत कोसो, अब आप थोड़ी देर में गांधी परिवार को कोसने लग जाओगे, दो ही सेट रह गए आपके। आम जनता की सोचो, आप आम जनता से मन की बात करो, छात्रों से, अभिभावकों से, आप पत्रकारों की एंटी जा रहे हो, कांग्रेस तो बाद में पिक्चर आई है भाई, पत्रकारों ने किया लाखों बच्चे, एक मिनट वरुण जी, वरुण जी, वरुण जी एक मिनट, लाखों बच्चे जुड़े हैं, आप इस मुद्दे की बात कर रहे हो, वरुण जी एक मिनट, मेरी बात सुनिए एक मिनट, आप कल का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लिए, आज का एडिटोरियल उठा लीजिए अखबारों में, मैं कुछ कहना चाहता हूं, पत्रिका इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, हम चार में से तीन लोग इस पक्ष में, एग्जाम होना चाहिए, आप अकेले पढ़ रहे हो और आप पूरे देश में अकेले पढ़ रहे हो, कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अरे आप बताइए ना, आप किस कारण से कांग्रेस के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप कैसे सिमट के बताओ, आप क्यों नहीं जीत पा रहे हो? मैं वरुण जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देश की जनता आप पे विश्वास ही नहीं करती है, जीतो ना, 300 सीटें आप लेके आइए ना, 300 से ऊपर सीटें लेके आइए ना, कितने रोका है आपको, आप लेके आइए ना, मैं सवाल करना चाहता हूँ, रोक रहा है आपको, बताइए आशीष जी, एक सवाल है मिथिलेश जैमिनी जी का, एक सवाल है जी मिथिलेश जी, जी योगेंद्र जी, मैं वरुण जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि जब कोरोना पीक पे था, लॉकडाउन हुआ था, उस समय यूपी बॉर्डर पर एक राणा जो एक गांव है उसमें तनाव हुआ था, प्रियंका गांधी जी यहां के मजदूरों को छोड़ना चाहती थी, दोनों सरकारें आमने सामने हुई थी, अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो कांग्रेस ने कहा था हम रेलवे का किराया दे रहे हैं, तो अब इससे बढ़िया सेवा करने का क्या है, युवा जो आएंगे ये मतदाता है, समझ में आता है, कांग्रेस को वाकई अगर राज में आना है, आप एक डेढ़ समाप्त हो जाएगी, फैसिलिटी हो जाएगी, ये क्या बात है, कांग्रेस बता रहा हूँ, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि एग्जाम नहीं हो, केवल सोनिया गांधी जी और एक ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, ये कह रहा था परिवार पे आ जाओगे, प्रियंका गांधी नहीं चाहती, सोनिया गांधी नहीं चाहती, अरे भाई क्यों आ रहे हैं, क्यों लाइक कर रहे हैं यूट्यूब पे सारे बच्चे, प्रेस कर दिया क्या पत्रकारों को, आपसे पहले ही कर रहे थे सर, आप तो प्रेशर कर रहे हो मानसिक रूप से, सोनिया जी बाढ़ माहौल है, अभी कह रहे हैं 12 को बाढ़ आ गई, तो अरे भाई बाधवे के बाद वैसे ही बारिश कम हो जाती है, एक मैंने बात करा लो, आपको क्या प्रॉब्लम है, इनको ट्रांसपोर्ट देने में क्या प्रॉब्लम है भाई, राजस्थान तो दिल्ली सब सारी बात, ये रेलवे क्यों नहीं चला रहे आप, ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो, रेलवे नहीं चला रहे, बीजेपी से करो ना ये क्वेश्चन, आप रेलवे क्यों नहीं चला रहे, रेलवे को वो प्राइवेट कंपनी नहीं चलाने दे रही होगी, सामने बच्चे को अपना एग्जाम सेंटर चेंज करने का, उसको 3 घंटे पहले तक चेंज कर रहे हैं, क्या करो खाली पैसे वाले बच्चों को कराना चाह रहे हो, एक महीने बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, एक डेढ़ महीने बाद 25 पहले भी एग्जाम सेंटर चेंज कर रहे हैं, तो ये कोरोना की गिफ्ट ही मानता हूँ, एग्जाम 1000 एग्जाम थे 1300 बढ़ाए 2500 मदद करिए ना के बजाय इस काम को, देखिए कोरोना के जीना है, ये माननीय तो कर रहे हैं, सीएमओ में 10 निकल के आ गए, अरे निकल के आ गए, वरुण जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, वरुण जी वापस आ रहा हूँ, मिथिलेश जी अपनी बात पूरी कर ले, मैं वापस आऊंगा वरुण जी आपके पास वापस आऊंगा, मिथिलेश जी अपनी बात पूरी कर ले जी, मिथिलेश जी हाँ, मैं योगेंद्र जी वरुण जी से कह रहा हूँ कि सीएमओ में 10 पॉजिटिव आ गए, क्या सीएमओ बंद हो गया क्या, आज मुख्यमंत्री जी ने भिलवाड़ा में 5 लाख लीटर का दुग्ध का उद्घाटन किया, जब यूनिट का उद्घाटन हो रहा है वर्चुअल, तो एग्जाम कराने में क्या दिक्कत है, कौन सा सीएमओ बंद हो गया, आपको एक मिनट पोस्टपोन करने में क्या दिक्कत है, रोड में चला दी, बारिश खत्म हो जाए कराइए, थोड़ी मना कर रही है यूथ कांग्रेस, बारिश के कारण नहीं चलवाना चाह रहे, कोरोना है वरुण जी, मेजर इश्यू तो कोरोना है, पार्टी इनके साथ है, बार बार कांग्रेस को कोस रहे हो आप, ममता बनर्जी हैं, दूसरी पार्टी है वो भी तो कह रही है, कांग्रेस को और सोनिया गांधी को कोसने से काम नहीं चलेगा, पब्लिक सब समझ गए हैं, वोट कैचअप करने का गेम कर रहे हैं, अरे भाई रेलवे की बात क्यों नहीं कर रहे, चले एक सवाल हो रहा है मेरा मिथिलेश जी, एक सवाल है मेरा मिथिलेश जी, एक सवाल है मेरा आपसे, यहाँ दोहरे चरित्र की बात की जा रही है, अभी आशीष जी ने भी आरोप लगाया और वरुण जी भी कह रहे हैं,
जैसे अभी बताया गया कि राज्य में एग्जाम हो रहे हैं, आपने भी कहा, और नीट जेई का एग्जाम पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, एक बार। दूसरा, इसी तरह से बिजली के बिल को लेकर के राजस्थान में भाजपा हमलावर है, हरियाणा और मध्य प्रदेश में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये दोनों तरफ अगर हम देखें, पार्टियां सब अपने तरीके से चल रही हैं कि जो हमें लगता है वो बिल्कुल उस हिसाब से हम इसको आंदोलन का के मोड पे दे दें, और इसमें हम चाहते हैं कि बिल्कुल वहां की कोई चर्चा ना करे। देखिए योगेंद्र जी, खुद करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। ये आज पॉलिटिशियनों का एक रासलीला बना रखे है। ये खुद करे तो सही है, खुद एसटीसी का एग्जाम कराए ठीक है, कोरोना नहीं फैलेगा। अगर सेंटर जी नेट जी करा रहा तो कोरोना फैलेगा। यही हाल बिजली के बिल का है। प्रियंका गांधी जी यूपी में मांग करती है कि बिजली का बिल कम होना चाहिए। राजस्थान की हालत देखिए, हिंदुस्तान का सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में है आज के दिन। वरुण जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप दिलवा दो ना जीएसटी का पैसा, रेवेन्यू बढ़वा दो। डेजर्टेड स्टेट है, डेजर्टेड स्टेट है, दूसरी स्टेट और राजस्थान में फर्क है। जीएसटी सरकार बचाने गरीब राजस्थान गरीब बच्चों कर सकते हैं। आप सकते हो, हम माननीय विधायक हैं तो इनके लिए होटल नहीं खोल सकते क्या? ये इस देश का लोकतंत्र में गरीब लोकतंत्र में पार्लियामेंट, चाइना का अग्रेशन हो गया, पार्लियामेंट क्यों नहीं बुलाया इन्होंने इतने महीनों से? कह रहा हूँ कि जब 3 दिन के लिए विधायकों को 5 स्टार होटल में रख सकते हो आप, वापस आ रहा हूँ मिथिलेश जी। मैं नीतू जी कुछ कह रही है बीच में। जी नीतू जी। योगेंद्र जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में अगर हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन मिल गया है कि एग्जाम्स होने चाहिए और वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, न्यायिक अथॉरिटी है, तो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, रेदर देन कि हम इस बात पे डिस्कस करें कि कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है। हमें बच्चों के सेफ्टी मेजर्स, उनको कैसे कम्यूट कराना चाहिए, और म्यूचुअल एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करके हम बच्चों के एग्जाम्स को कितना स्मूथली कंडक्ट कर सकते हैं, हमें उस पर बहस करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई भी ऑर्डर्स आते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, तो जनरली स्टेट गवर्नमेंट क्लैशेज आ जाती है अपनी। हमेशा में जो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया जो हम मानते हैं कि देखते हैं अक्सर, इसीलिए जो वोटिंग चेंज होती है हर बार, इसी वजह से होती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, रमेश पोखरियाल जी ने बोल दिया कि एग्जाम्स होने चाहिए, अभिभावक मानते हैं एग्जाम्स होने चाहिए, बाकी एग्जाम स्टेट में हो रहे हैं, तो आईटी जेई और नीट के एग्जाम्स क्यों नहीं होने चाहिए? एग्जाम्स होने चाहिए, गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट अपने सिर्फ, क्योंकि वहां पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी है, हमें इस पे बहस ना करके बच्चे कैसे आएंगे, स्टेट क्या कोऑर्डिनेट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, उस चीज को हमें तालमेल बिठाने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ हम इतनी बसेस चलाएंगे आपके बच्चों के लिए, स्टेट गवर्नमेंट इतना करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या टेक है। अगर इस बात पे बहस हो तो बहुत अच्छा लगे और हमारी चीजें आगे प्रोग्रेस हो। जैसा वरुण जी ने कहा कि जीएसटी दीजिए, हमारे पास राजस्थान में कहा जीएसटी आप दे नहीं रहे तो कहां से पैसा आएगा? पैसा नहीं आएगा तो हम दिन पे दिन पीछे होते जाएंगे, इसलिए एग्जाम्स कराना तो और भी जरूरी है। अगर हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, वैसे ही बच्चे हमारे बहुत पीछे हो, अगर हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, एग्जाम्स आगे नहीं होंगे, हमें आत्मनिर्भर बना दिया गया है। वो जो इनिशियल 21 डेज का लॉकडाउन था, वो लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि लोगों में एक हैबिट आ जाए, हैबिट फॉर्मिंग आ जाए कि हमें इसके साथ जीना है। वी ऑल हैव एक्सेप्टेड कि हमें कोरोना के साथ जीना है, एग्जाम्स होने चाहिए, बेटर तालमेल होना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स उठाने चाहिए, और हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें कोऑर्डिनेशन बिठाने पे काम करना चाहिए कि हम अगर एक आम बच्चा, अगर जैसा वरुण जी कह रहे थे गांव का बच्चा कैसे आएगा, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं उस चीज को हेल्प कर रही है कि मैं यहाँ से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा वहां की ग्राम। नीतू जी, बात केवल एक कांग्रेस की नहीं है, शिवसेना की सरकार है अलायंस में महाराष्ट्र में। हाँ जी, अभी ठाकरे जी ने कहा कि अमेरिका में स्कूल खोले गए थे और एक सप्ताह के अंदर अंदर 97,000 का जंप किया कोरोना ने। तो ये अभी जैसे वरुण पुरोहित जी कह रहे थे, सबसे बड़ा डर तो ये है कि ये तो बात सही है कि जो बच्चे एग्जाम देने आएंगे वो अकेला नहीं आएगा, कोई भी मेजर मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोई ना कोई अभिभावक तो आएगा। सबको डर यह है कि कोरोना
होना नहीं चाहिए। हम सब सोच के भी चलते हैं कि कोरोना के बीच ही हमारी अभी जब तक भी कोरोना है जब तक चलना पड़ेगा, लेकिन डर भी है किसी के, हर व्यक्ति के डर है। हम भी अगर जैसे ऑफिस आते हैं, आप भी जाती हैं, टीचर हैं, तो एक डर तो होता ही है कि बाहर जा रहे हैं कि चलिए किसी तरह के, और बच्चों को लेकर के सबसे बड़ी बात है। तो ये एग्जाम को लेकर के आपको लगता है कि इससे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मुख्यमंत्रियों के साथ एक चर्चा कर सकती थी, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की बड़ी स्थितियां हैं और बच्चों के एग्जाम भी बहुत जरूरी हैं, तो आई थिंक एक रास्ता ये हो सकता था। ये हो सकता था योगेंद्र जी, अगर तालमेल बिठाने की कोशिश की जाए, अगर ये तालमेल बिठाया जाए कि अगर हम देखो एग्जाम्स कंडक्ट करानी चाहिए, लेकिन हम उसको इस चीज को बहस का मुद्दा ना बनाएं कि एग्जाम्स हो या ना हो। अब एग्जाम सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया होने चाहिए। हम अगर एक अब वीडियो कॉन्फ्रेंस अगर हम इस चीज पे करके डिस्कस करें कि आप क्या सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करेंगे अगर आपके स्टेट से इतने बच्चे यहाँ पे एग्जाम देने करिए, स्टेट से राज्यों से कंसल्ट करके पॉलिसी बनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सॉलिसिटर जनरल को। यस यस, वो आप कंसल्ट करिए जिससे कि प्रधानमंत्री करेंगे, एक एक राज्य थोड़ी करेगा, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है क्या, कांग्रेस की जिम्मेदारी है, ये क्या बात कर रहे हो आप लोग बैठ के। आपको कहना चाहिए भाई प्रधानमंत्री संवाद स्थापित करें मुख्यमंत्री के पास जाना चाहूंगा। अगर एज ए पेरेंट, एक सेकंड योगेंद्र जी, अगर एज ए पेरेंट मेरा बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चे की सेफ्टी और अपनी सेफ्टी को लेकर चलूं, और हमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी हेल्प मिले, सेफ्टी मेजर्स के लिए पूरी फैसिलिटीज मिले, एग्जाम्स कंडक्ट हो उसी के साथ हो। लेकिन बहस का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे एग्जाम्स विद सेफ्टी मेजर्स होंगे, और हम कितना कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ बिठा सकते हैं। जी आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं, कहीं ना कहीं इस पूरे उसके अंदर देखिए दो बात मैं लगातार बात कह रहा हूं कि पॉलिटिकल और इमोशंस। इमोशंस क्या है कि हर अभिभावक ये चाहता है कि मेरा बच्चा एग्जाम भी देके आए, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि एक साल उसका खराब हो, क्योंकि मेहनत करवाई है उन्होंने बच्चों से, और हर अभिभावक ने करवाया कि उनका अपना सपना है कि मेरा बच्चा डॉक्टर भी बनना चाहिए, जो जेई दे रहा है उसका सपना है कि आईआईटी करे, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में। हाँ बिल्कुल, तो वो चाहते हैं ये, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों में तालमेल का अभाव है। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जिसपे इतना बवाल मचाया जाता, इसमें कुछ किया जा सकता था। स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के साथ पोखरियाल बात कर सकते थे, अगर प्रधानमंत्री नहीं करना चाह रहे थे मुख्यमंत्रियों के साथ। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी एक चूक है इसमें, कि इतना जब कुछ चल रहा था कोरोना के बीच, एक आपस में कोई डायलॉग नहीं हुआ। आशीष जी, जी जी योगेंद्र जी, कोऑर्डिनेशन का अभाव दिखाई दे रहा है इसमें। योगेंद्र जी, अभी मिथिलेश जी ने एक बात कही थी कि पेरेंट्स काफी दुविधा में है, जो बच्चे ड्रॉप कर चुके कि वो टाइम पे इंजीनियर बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखिए दो पॉइंट इसमें आ रहे हैं, आप उन पेरेंट्स की दुविधा को समझिए। जैसे भी आपने बताया कि वीआईटी का एग्जाम हुआ, कंडक्ट हो गया, अब वीआईटी ने फीस ले लिया और 25 सितंबर उनकी लास्ट डेट है फीस विड्रॉ करने की, तो वो पेरेंट जो कि चाहते हैं कि साहब जो बच्चा एनआईटी में चला जाएगा तो हम वीआईटी से विड्रॉ कर लेंगे, तो जब आप एग्जाम ही कंडक्ट नहीं कराएंगे तो बच्चा विड्रॉ कहां से करेगा। तो वो टैलेंट पूल जो कि वीआईटी में नहीं जाना चाहता है, वो आईआईटीज में जाना चाहता है, एनआईटीज में जाना चाहता है, लेकिन चूंकि वीआईटी में वो सफल हो चुका है तो वहां वो फीस जमा करा चुका है और 25 तारीख उसकी डेट है कि 25 तारीख उसको विड्रॉ करना है, तो जब तक जेई का रिजल्ट ही नहीं आएगा वो विड्रॉ कैसे करेगा। तो पेरेंट्स की दुविधा को तो कांग्रेस समझ नहीं रही है। अरे भाई, तो आपके सारे जो आदमी है नेता सेंट जेवियर स्कूल के एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं, एमजीडी में भी हो जाता है, सेंट जेवियर में भी हो जाता है, सेंट जेवियर यही तो पॉइंट है। आप कांग्रेस आप एक महीने सरका दो एग्जाम, रेलवे चालू करो, जीएसटी का पैसा स्टेट्स को दो, क्यों नहीं करना चाहते, संवाद तो करना नहीं चाहते हो। अगर रेलवे चल रही है, रेलवे चल रही है, स्पेशल ट्रेन चल रही है। पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, एक मिनट आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, आप चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मिथिलेश जी ने कहा था हिसाब इंडियन डॉक्टर नहीं निकलेंगे। हाँ, आपको कुछ पता ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, आप क्या है बताएं, क्या है आप, क्या है बताइए, आप पढ़ के आए हो क्या, आपने डिग्रियां ली हैं, आप कुछ नहीं है, चक्कर लगाते हो सर, देश में हर जगह गलत राह लेनी है आपको, बस चक्कर लगी नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है। पॉइंट ये, ना पेरेंट्स आपके साथ है, ना पत्रकार आपके साथ है, ना टीचर आपके साथ है। पॉइंट एक मिनट योगेंद्र जी मेरी बात सुनिए, योगेंद्र जी एक टेक्निकल पॉइंट मेरी बात सुनिए, योगेंद्र जी टेक्निकल पॉइंट सुनिए मेरा। पॉइंट ये है, जैसे भी मिथिलेश जी ने कहा था कि भाई आईआईटी से बच्चे नहीं निकलेंगे, डॉक्टर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा। देखिए आज सितंबर माह है,
सितंबर में एग्जाम कंडक्ट होगा, फिर जेई मेन का रिजल्ट आएगा, फिर जेई एडवांस होगा, फिर आईआईटी का सेमेस्टर प्रारंभ होगा। तो अगर ये एग्जाम इस टाइम पर भी होता है तो भी आईआईटी 1 दिसंबर के पहले अपना सेमेस्टर प्रारंभ नहीं कर पाएगी। अगर हम और डिले करते हैं तो क्या हम ऐसी स्थिति ले आएंगे कि 2020-21 जीरो सेशन घोषित हो जाएगा? और 2020-21 अगर आपने जीरो सेशन घोषित कर दिया तो 2023 में एक भी फ्रेश इंजीनियर नहीं निकलेगा, एक भी फ्रेश डॉक्टर नहीं निकलेगा, तो उसका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ा है उसकी कांग्रेस को चिंता नहीं है? अरे भाई इकोनॉमी का क्या किया है, पूरा देश देख रहा है आपको। तो आप क्या नोटबंदी करी, क्या जीएसटी करी, रोटी रोजगार का संकट कर दिया, लोग ये स्टेटमेंट देते हो आप। वरुण जी आ रहा हूँ, चतुर्वेदी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सिंपल सा सवाल है कि क्या इसमें आपको नहीं लगता कि कोऑर्डिनेशन की कमी रही है? हमारे जो और गेस्ट हैं वो भी मान के चलते हैं कि केंद्र सरकार को इस पर पहल करके सरकारों से, राज्य सरकारों से क्या अपेक्षा करती है, उस पर एक बार कोई डिस्कशन होना चाहिए था, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला है ये। यहाँ तक बात है, नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाएं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आपने 1200 सेंटर, मात्र 1200 सेंटर बढ़ा दिए। अब ये मात्र 1200 सेंटर बोल रहे हैं, टोटल पहले से 2500 से 1300 बढ़ा दिए, मतलब 50% ऑफ द सेंटर इंक्रीज हो गए। अरे भाई जो गरीब बच्चा कैसे करेगा वो बताओ, रेलवे क्यों नहीं चालू कर रहे हो, रेल की स्पेशल ट्रेनें? हर बात कांग्रेस, कोऑर्डिनेशन की कमी भी कांग्रेस की वजह से नहीं हुई, प्रधानमंत्री संवाद नहीं कर रहे, गांधी परिवार की वजह से नहीं हुई, ये क्या सेंटर बढ़ा दिए बहुत अच्छी बात है। आपने सर सेंटर बढ़ा दिए बहुत अच्छी बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को ही मामले को निरस्त कर दिया था तो तब मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करनी चाहिए थी राज्यों के साथ में। बहुत बार कोविड के ऊपर इतनी चर्चाएं होती है तो एक चर्चा ये भी की जा सकती थी। मालूम है कि देश में 25 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपियर होंगे, तो एक छोटा मुद्दा नहीं था इसमें। कहीं ना कहीं हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि केवल एक पक्ष को नहीं देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन की कमी भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी करना चाहिए था, राज्य सरकारों पे अभी अचानक डालने से बच्चों का नुकसान हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ये आपके पॉलिटिकल उसके अंदर पार्ट में फंस करके बच्चा कहीं, मुझे लगता है कि वो हमारा जो टैलेंट है वो कहीं किल ना हो जाए। वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन चलिए अभी केंद्र ने कोऑर्डिनेट नहीं किया, लेकिन अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि जो बच्चे, अब तो ज्यादातर सेंटर्स भी ऐसे कर दिए कि आप अगर राजस्थान के वासी हैं तो राजस्थान में आपका सेंटर, आपको यही एग्जाम देना है, आप यहीं पे ठहरे बच्चे, तो उनके लिए कुछ आपको लगता है कि अगर एग्जाम होंगे ही, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कोई राहत नहीं दी तो अब राज्यों को अपनी व्यवस्था करनी चाहिए? देखिए योगेंद्र जी, राज्य राजस्थान तो एक क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं बार बार कि फ्रस्ट्रेटेड है, सरकार गिरा नहीं पाए। राजस्थान हर चीज में अव्वल दर्जे पे आ रहा है, हमारे प्रदेश को आप कोई भी सरकार हो, मैं वसुंधरा जी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूं किसी को, ये तो करने लग जाते हैं दो मिनट में, उस समय भी अच्छी थी आज भी अच्छी है क्योंकि हमारी सरकार है तो हमको पता है बहुत बढ़िया इंतजाम कर रहे हैं, सारी बसें खोल दी, ये नहीं देंगे रेलवे तो भी हम तो कंडक्ट कर ही रहे हैं एग्जाम, लेकिन पैन इंडिया प्रॉब्लम को समझना नहीं चाह रहे हैं हम तो। हमारी बात आप देख लेना, अभी भी एग्जाम हो रहे हैं सारे, हम तो नौकरियां भी निकाल रहे हैं, ये तो कहीं नौकरियां नहीं निकाल रहे हैं, तो लेबर लॉज ही सस्पेंड कर दिए। कोई आप बताओ पार्लियामेंट से पास्ड एक्ट है उसको सस्पेंड कर सकते हो क्या आप? आप पार्लियामेंट बुलाना ही नहीं चाहते, उनको तो कोरोना हो जाएगा और बच्चों को डालना चाहते। अरे भाई आप संवाद कर लीजिए, एक महीने बात करा लीजिए, सारे मुख्यमंत्री इतने मजबूत है, तमिलनाडु तो इनका पार्ट है एनडीए का, उससे वो क्यों कह रहा है भाई, वो कांग्रेस ने कर दिया या सोनिया गांधी जी ने कर दिया, ये करना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात होती मुख्यमंत्रियों से बात करते, भाई असंतुष्ट मत होइए, मुझे सुझाव दीजिए, हम स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं, मान लीजिए केंद्र बिल्कुल कंगाल हो चुका है देश को बेच बेच के, तो स्टेटों कहते भाई आप इंतजाम करिए, हम अपने आप हम तो कर ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा तो हम तो कराएंगे भाई। जैमिनी साहब क्या लगता है आपको कि इसमें कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी भी लग रही है? क्योंकि देखिए इसमें बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और राजनीतिक जो पार्ट है उसके बीच में पेरेंट्स और बच्चे फंसे हुए हैं, तो आपको लगता है कि इसमें आपस में चर्चा हो सकती थी, बहुत बड़ा इश्यू नहीं था ये? देखिए योगेंद्र जी चर्चा हो सकती थी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि आज की जो पॉलिटिक्स है वो होगी इश्यू बेस्ड, और इसमें जो पॉलिटिकल थिंकर है वो जो आइडिया जब लास्ट में ब्लास्ट करते हैं उसको फॉलो करते हैं पॉलिटिशियनों का। जी अट गई आवाज, जी मिथिलेश जी उसी का हमको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह है ये जो एग्जाम थे इसमें किसी गवर्नमेंट की इनका रोल था तो संवाद हो सकता था, लेकिन केंद्र का भी ईगो आड़े आता है और स्टेट का भी ईगो आड़े आता है। जबकि आपने बोर्ड के एग्जाम कराए, राजस्थान बोर्ड में एग्जाम हुए ना, रिजल्ट आया ना,
उन्होंने कौन से संवाद किया, किससे, आपने जिला कलेक्टर को बुलाया, कौन से विपक्ष के एमएलए को बुलाया, राजस्थान सरकार भी तो कर सकती थी, कराया ना, राजस्थान बोर्ड के एग्जाम हुए, रिजल्ट आया, प्री डीएलडी करा रहे, कौन सी विपक्ष की पार्टी को बुलाया, कौन से विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया से मिला के बात की कि भाई हम ये करा रहे, तो ऐसा कुछ नहीं, एग्जाम एक रेगुलर प्रोसेस है, आप तो सुप्रीम कोर्ट के डिग्री अनवैलिड हो जाएगी, तो आप इस पर क्यों राजनीति कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि किस पॉलिटिक्स ने ऐसा आइडिया दे दिया, यूथ पार्टियों से दूर हो रहा है, राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि युवाओं का नेताओं से विश्वास खत्म हो जा रहा है, और आने वाले समय में इतना बड़ा खतरा हो जाएगा कि नेता कहीं जाएंगे तो दो लोग नहीं इकट्ठे होंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी पूरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर नेताओं की नीतियों से, तो अब नेताओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए काम करना पड़ेगा, ये केवल आइडिया लेके और उस पर राजनीति करना छोड़ना होगा योगेंद्र जी। चले मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोकना चाहूंगा, तो कुल मिलाकर के यही है कि राजनीतिक पार्ट में भारत का टैलेंट फंसता जा रहा है, और एग्जाम अगर होते भी हैं तो ये बात सही है कि कोरोना है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सरकारों के बीच, और बेहतरी कैसे कर सकते हैं बच्चे के सेफ्टी मेजर्स को लेकर के, उस पर मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका डिस्पोजल करे, अगर एग्जाम पे रोक लगानी है या फिर याचिकाओं को खारिज करना है, ये गुजारिश सभी से है, और मुझे लगता है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, और इसको राजनीतिक रंग के बजाय अब तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को हम कैसे भरोसा दिला सकते हैं कि आपका भविष्य खराब नहीं होगा, आप जो मेहनत कर रहे हो वो बर्बाद नहीं होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।